ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। झुकता नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। आज मुमरा में हर साल की तरह इस साल भी ताजिया जुलूस निकाला गया। लाखों लोगों की भीड़ मुमरा की सड़कों पर दिखाई दिया। और पुलिस की अगर बात करें तो थाने के कमिश्नर विवेक फंसालकर ने पुलिस की बंदोबस्त चाक चौबंद किया था ताकि किसी तरह की कोई घटनाएँ ना घटे। शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बहुत बेहतरीन ढंग से प्रशासन ने, अच्छी तरीके से, हमारे कमिश्नर साहब खुद आए हैं। मतलब कितने सीरियस है पुलिस इस मामले में, बंदोबस्त में, ये आप खुद देख रहे हैं। कमिश्नर साहब इससे पहले दो दिन पहले भी आकर मुआयना करके जा चुके हैं और पुलिस का, प्रशासन का बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट मिला है। माशाल्लाह दसवीं मुहर्रम है और ऐसे अनेक दिन आज की सरकार और पुलिस प्रशासन ने जो इतने स्मूथली आज का दिन भी निकाला है। उदाहरण हम लास्ट ईद भी देख लिए, हमें जितने प्रोग्राम्स देखे इस साल ज़्यादा करके ऐसे प्रोग्राम्स आए, क्या दो प्रोग्राम साथ में आए जिसमें दो भाई लोग के प्रोग्राम्स थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पर भी प्रशासन का और मैं सरकार का भी खास करके धन्यवाद करूँगी और यहाँ के पुलिस लोगों का भी धन्यवाद करूँगी। काफ़ी सीपी साहब ने खुद ध्यान रखा था यहाँ के प्रोग्राम्सों पे कैसा चल रहा है, खुद आके देखे गए, तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम्स हुए। एम्बुलेंस की व्यवस्था, और ये पहला साल नहीं है, मेरा दूसरा साल है। मैं आपको कह दूँ कि गए साल भी मैंने एम्बुलेंस हो या जो भी सुविधा लगती है, जो भी चीज़ें लगती है, उसका चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज किया। आप देख सकते हैं ये जुलूस कौसा से लेकर मुमरा स्टेशन रेती बंदर तक जाती है और ऐसे में आज का दिन मुस्लिम समाज अपनी कामकाज बंद रखता है हसन हुसैन की याद में। इस पूरे जुलूस में पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर साहब और एडिशनल सीपी परवीन पवार, डीसीपी जोन वन एसएस भोरसे, एसीपी कलवा डिवीजन और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ अपनी टीमों को लेकर तैनात रहे। हम आपको सुनाते हैं विवेक फंसालकर ने क्या कहा है। मैं सभी मुमरा वासियों को धन्यवाद देता हूं कि गणेशोत्सव और मुहर्रम दोनों साथ में है, मगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है और अपना अपना ये निभा रहे हैं। आप देख रहे हो कि मुहर्रम भी आज 10वां दिन है और विसर्जन के लिए जा रहे हैं रेती बंदर। पुलिस का बंदोबस्त पूरे रूट पर है, हमारे सब ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, डेप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, सभी लोग हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग पुलिस प्रशासन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों को। बंदोबस्त पूरा रहेगा। देखिए, ये कुछ दिन होते हैं, गणेशोत्सव हो, मुहर्रम हो, ईद हो, कोई भी, जहाँ भारी संख्या में, भारी मात्रा में लोग जो हैं उसको निभाने के लिए, मनाने के लिए पब्लिक स्पेस में आ जाते हैं और स्वाभाविक है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो हम लोग बखूबी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं, हमारा सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर काफ़ी ध्यान रहता है और आपको, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की कि जो न्यूज़ हैं वो सही गलत देखना चाहिए, चलानी, गलत न्यूज़ चलानी नहीं चाहिए। और आपका भी धन्यवाद कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आपने सुना विवेक फंसालकर ने क्या कहा है। आप सबको पता है इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह इंसानियत का दुश्मन था। यजीद खुद को खलीफा मानता था लेकिन अल्लाह पर उसका कोई विश्वास नहीं था। वह चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसके खेमे में शामिल हो जाए लेकिन हुसैन को यह मंजूर नहीं था। यजीद के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को करबला में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया था। जिस महीने में हुसैन व हसन को, उनके साथियों को शहीद किया गया, वह मुहर्रम का महीना था। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।